बुरे सपने हम सभी को आते हैं। वैसे ही एक राजा ने बुरे सपने से छुटकारा पाने के लिए एक मंदिर बनाया। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बात करेंगे। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सबको प्रीटी ऑसम में स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके सामने ऐसे अनोखे अनोखे वीडियोस लेके आती रहूं। आज हम आए हैं ओमकारेश्वर टेंपल, जो इस्लामिक और गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। इस मंदिर को राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने 18वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण करने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है, जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। माना जाता है कि राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय के हाथों एक निर्दोष ब्राह्मण का हत्या हुआ था। इस हत्या के बाद उन्हें डरावने सपने आने लगे। इसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से सलाह ली और उनके कहे अनुसार राजा ने भगवान शिव जी का एक मंदिर बनवाया। कहते हैं उन्होंने मंदिर में पवित्र शहर काशी से लाया गया एक शिवलिंग स्थापित किया और कहा जाता है कि इससे राजा के बुरे सपने का अंत हो गया। और आज उसी शिवलिंग को ओंकारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का टाइमिंग है 6:30 AM टू 12 noon और 5 PM टू 8 PM। और दोस्तों, यहाँ जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। इस जगह को आप आधे घंटे से एक घंटे तक कवर कर सकते हो। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिस कारण मैं वीडियोस नहीं ले पाई। इस रहस्य को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।